एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर घर वाली पुरानी अल्ट्रा और दूसरी तरफ है यहाँ पर बाहर वाली नई अल्ट्रा। आपको दोस्तों किसका डिस्प्ले, किसका परफॉर्मेंस, किसका कैमरा पसंद आता है मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड 11 अल्ट्रा एंड उसके साथ दूसरी साइड में यहाँ पर है एकदम लेटेस्ट यहाँ पर 12S अल्ट्रा। अल्ट्राओं का ये कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है, देखना जरूर। आज एक लाइन बहुत टाइम के बाद बोलेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड में होगा नॉइज, क्षमा चाहता हूँ मैं या क्षमा को चाहता हूँ मैं दोस्तों। अल्ट्रा 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 11 अल्ट्रा इस देरा मार्केट में इतना सेल हुआ भाई, इतना सेल हुआ ये आज तक चाइनीज वर्जन, आज तक 1.5 साल हो गया, लगभग 1.25 साल हो गया, आज तक ये उतना ही सेल हो रहा है। तो 12S अल्ट्रा इस मार्केट में नहीं आया है, मैंने चाइना से इंपोर्ट किया है। 11 अल्ट्रा आपको इस मार्केट में मिल रहा है। क्या प्राइस है 11 अल्ट्रा की, उसकी तो बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कितना डिफरेंस है 11 अल्ट्रा से 12S अल्ट्रा, कितना डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, इसकी प्राइस मैं आपको बताऊंगा, ये जैसे कि अवेलेबल नहीं है, और जब ये अवेलेबल हो जाएगा 12S अल्ट्रा इस मार्केट में उसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। बहुत टाइम के बाद दोस्तों ऐसी शॉप में वीडियो बना रहा हूं मैं यहाँ पर 1.5 साल के बाद, तो इसी बात पे जनता लाइक तो बनता, लाल को काला क्यों नहीं करते, लाल को काला बनता। चलिए यह दोस्तों आपके आमने और सामने यहाँ पर 11 एंड 12 अल्ट्रा लेदर फिनिशिंग के साथ दोस्तों आया है 12S अल्ट्रा, और यहाँ पर अपना सिरामिक बैक वाला डिजाइन था 11 अल्ट्रा में। 11 अल्ट्रा में दोस्तों यहाँ पर एक डिस्प्ले जो काफी फेमस हुई थी वो है, लेकिन कोई डिस्प्ले 12S अल्ट्रा में नहीं है। लाइका को बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है, साइड में सेम वही बटन प्लेसमेंट है जो है, यहाँ का जो साइड है वो एल्यूमिनियम है 11 अल्ट्रा में दोस्तों, एल्यूमिनियम यहाँ पर सिल्वर कलर का है। वहीं पर जो अपना नया वाला एस अल्ट्रा है उसमें जो साइड है ब्लैक कलर में, वो ब्लैक यहाँ पर एल्युमिनियम है, लेकिन अगर आप ग्रिल लेंगे तो आपको यहाँ पर गोल्ड का साइड फ्रेम मिलेगा। आगे दोस्तों हम इसकी होम स्क्रीन में, एंड सबसे पहले मैं ब्राइटनेस को फुल कर दूँ, ये फुल में है ऑलरेडी एंड ये भी फुल में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं कुछ वाइट स्क्रीन ओपन कर दूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो अपना 12S अल्ट्रा है उसकी जो लाइटिंग है, डिस्प्ले की जो लाइटिंग है वो अपने पुराने अल्ट्रा से ज़्यादा है, और यहाँ पर नॉच जो है कैमरा पंच वो बिल्कुल बीचों बीच में है, पुराने अल्ट्रा में साइड में दिया गया था। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो 11 अल्ट्रा है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है 12S अल्ट्रा से, जो कि साइड में मैंने थोड़ा फोकस करा लूँ आपको। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पुराना अल्ट्रा जो है उसका बेजल एंड नए अल्ट्रा का बेजल यहाँ पर काफ़ी फर्क है, क्योंकि जो स्क्रीन है वो पुराने अल्ट्रा की थोड़ी सी बड़ी है, उस वजह से जो साइड का बेजल है जो कि जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में भी आया था कि ये बहुत ज़्यादा बेजल है साइडों में, लेकिन वही बेजल हमको 12S अल्ट्रा में थोड़े से कम फीचर में नज़र आ रहे हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पर 11 अल्ट्रा। बॉक्स की दोस्तों बात करें, जो चाइना में 11 अल्ट्रा आया था वो स्लिम बॉक्स विदाउट अ चार्जर आया था, लेकिन इंडिया में ये चार्जर के साथ आया था, 120 वॉट्स का चार्जर इसके साथ आ रहा था 11 अल्ट्रा में, लेकिन चाइना में ये स्लिम बॉक्स था। वहीं पर चाइना में इस बार चार्जर दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं बड़ा बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर 67 वॉट का अडेप्टर आता है 12S अल्ट्रा में, ये सपोर्ट भी करता है 67 वॉट को, 120 वॉट्स को सपोर्ट नहीं करता है, वहीं पर अल्ट्रा जो है 11 वो 120 वॉट्स को सपोर्ट करता है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन में आ चुकी होगी, जो पुराना अल्ट्रा है वो थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट, सिरामिक की वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा वेट लगता है, जबकि यहाँ पर नया अल्ट्रा जो है वो थोड़ा सा स्लिम भी है पुराने वाले से और काफ़ी लाइट वेट फील होता है इन हैंड में। अगर आप इन हैंड की बात करेंगे तो नया अल्ट्रा जो है वो परफेक्टली फिट यहाँ पर आता है। बाकी डिस्प्ले आप बताना मुझे किसकी ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आ रही है,
मैं कहूंगा कि मुझे जो नया अल्ट्रा है उसकी जो ब्राइटनेस है स्निक पिक वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। बाकी कंप्लीट फीचर यहां पर है, स्नैपड्रैगन 888 यहां पर है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन का प्रोसेसर दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। अब कुछ और बात करते हैं यहां पर स्कोरिंग की, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑफकोर्स यहां पर ये बड़ा प्रोसेसर है तो इस वजह से जो स्कोरिंग है वो ऑफकोर्स यहां पर ज्यादा आने वाली है नए अल्ट्रा में। तो ये डिफरेंस है दोस्तों एंटूटू में, पुराना अल्ट्रा 78 के साथ आता है जबकि नया अल्ट्रा 1 मिलियन के साथ दोस्तों आता एक ही वॉलपेपर मैंने यहां पर रख दिया है कि थोड़ा सा डिस्प्ले ज्यादा बेहतर से नजर आया। यहां पर हमको लग रहा है कि जो पुराना अल्ट्रा है वो थोड़ा सी बड़ी चौड़ी स्क्रीन है जबकि जो नया अल्ट्रा है उसकी स्क्रीन थोड़ी सी स्लिम है। तो ओवरऑल इन हैंड में कंफर्टेबल के मामले में नया अल्ट्रा बिल्कुल परफेक्ट है, वहीं पर जो पुराना अल्ट्रा है वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है, थोड़ा सा हैवी वेट हो जाता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पर। अब दोस्तों ये पुराना अल्ट्रा है, ये नया अल्ट्रा है, सेम टाइम में दोनों वीडियो प्ले बैक करते हैं एंड कुछ कलर कंपेरिजन में देख लेते हैं। मुझे डिस्प्ले दोस्तों पुराने अल्ट्रा का भी काफी सही लग रहा है, यहां पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कहूंगा डिस्प्ले नॉट बैड, आज के डेट पे भी दोस्तों पुराना अल्ट्रा की डिस्प्ले बुरी नहीं है, ऑलमोस्ट यहां पर बराबर की टक्कर दे रहा है नए अल्ट्रा को। अब दोस्तों साउंड टेस्ट, पहले पुराना अल्ट्रा। नया अल्ट्रा, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्विक कंपैरिजन किया, ज्यादा डिटेल नहीं किया क्योंकि शॉप में ज्यादा खरीदने की जगह भी नहीं है। उसके बाद अब इसकी प्राइसिंग की बात करें, जो पुराना अल्ट्रा है वो यहाँ पर 12 GB और 512 GB वाला 3200 दिरहम के आसपास का मिल रहा है इस शॉप में। उसके बाद जो नया अल्ट्रा है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है।